चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आपके कुछ नहीं है जी, भर्ती नहीं है, और एक पैट का पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया। अच्छा नाइट है, बदमाश है, डिगड़ा जेल में बैठ गया, इससे कुछ खराबी आ जाएगी, इससे तो वोट बढ़ेगी इसकी और ज्यादा। बर्थडे ने ऐसा काम जोड़ दिया, आ तो अगनंगे करना, भूखे मरना काम जोड़ रखा, साल भर पहले अंडे के रखे, दो रुपए मिट दिए चौदह ने। नमस्कार साथियों, सीसे में आपका स्वागत है। आज हम कैराना विधानसभा सीट के सापला गांव में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे बीच जनता है इस गांव की, और हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के क्या चुनावी मुद्दे हैं, हम इसको लेकर हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, कैराना विधानसभा सीट से सपा से विधायक नाहिद हसन चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से मृगांका सिंह चुनाव लड़ रही है। अब ये लड़ाई किस तरह की होगी, जनता इन दोनों उम्मीदवारों को लेकर क्या विचार रखती है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। और आम जनता के जो चुनावी मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव होगा, जनता कैसे वोट करेगी, किसकी सरकार लाएगी, इन्हीं चीज़ों को लेकर हम गांव के लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव किस तरह रुख पकड़ रहा है। जी नमस्कार बाबा जी, क्या नाम आपका? छोटे सिंह जी। अच्छा, आप ये बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश में क्या माहौल आपको लग रहा है, कैराना विधानसभा पर क्या लग रहा है? मैं माहौल तो सरकार अखिलेश क्या होगी जी। अच्छा, पक्की बिल्कुल। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा है कि किसान बर्बाद कर दिया, नुकल दिया, हाँ, किसान की थोड़ी बहुत मान नहीं थी, तेरा भिन्ने तेरा भिन्ने वहाँ बैठा दिए, वो काम बढ़िया नहीं था, फिर भी वो बाद में भी वो काम कराया, लेकिन जो काम पहला हो जाता हो सका भाजपा ना, भाजपा ही गवर्नमेंट बनती, इससे बहुत नाराज है किसान। किसान भी एक मुद्दा है, लेकिन जनता के और भी मुद्दे होते हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, इनको लेकर क्या पांच सालों में कुछ काम? हाँ, महंगाई, डीजल पेट्रोल ज्यादा बढ़ गया, इतने को उम्मीद नहीं थी, मोटरसाइकिल स्टार्ट करने को जी नहीं करता, ट्रैक्टर जहाँ तीन बार जुताई करा था, पांच बार, वहाँ एक बार में ही रह गया। अगर खेत को हम जोतने के नहीं, इसकी खेत की दहनी तोड़ने के, इतना उसमें फसल उग जाएगी, इस पत्थर पर हमें घास उगा, कोई उगा दा इस पर घास, इतना इसमें बहान नहीं होने का, इतने फसल थोड़े ही उग जाएगी। इब जब 50% फसल तो ऑटोमेटिक ही भाग गई, जहाँ 100 का गन्ना लिख रहा था बिना जुताई को, 50 का ही रह गया, डीजल कहाँ से लेगा इतना। क्या आपका क्या नाम भाऊ जी? उदयवीर जी। आपको क्या लगता है चुनाव लगा है? लगा है, हम तो प्रदेश में क्या होगा, राष्ट्रीय गठबंधन को देंगे हम तो, अरे पत्ती हम नहीं फूक सके, पराली हम नहीं फूक सकते, दो मंडाने कमती बत्ती हो जाओ सब हम नहीं सकते, सड़क पे हम नहीं जा सकते, कौन सी सुविधा कर रखी भाजपा ने मेरे लिए, तो बताओ। पांच सालों में कोई विकास, कोई नहीं सुधार मिला, हमें तो छोड़ रखे सारी फसल खा गए। क्या नाम आपका? मेरा चैतन्य कुमार जी। चैतन्य जी, आप ये बताइए, क्या पांच सालों में क्या स्थिति है, सरकार चुनाव है दोबारा, आपको क्या लगता है पांच सालों में कुछ काम हुए सरकार के द्वारा आपके क्षेत्र में? काम तो कुछ नहीं हुआ, सड़क बनाई, किसानों के बारे में तो कुछ भी नहीं हुआ, सड़क बनाई, किराया देने लग गए, टोल टैक्स लगा दिया, ऊपर डीजल बढ़ा दिया, सिलेंडर दे दिया फ्री में, जो मैं खाली दरे उन्हें भरवाने के पीछे नहीं किसानों की जेब में, यू कर काम। चलिए, मैं एक सवाल और आपसे, जैसे उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर लोग, किसान भी और बाकी तबका भी, एक गठजोड़ साथ आ रहा है हिंदू मुसलमान का, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? भाजपा की सरकार ने हिंदू और मुसलमानों पहले दंगा कराया था, इनकी चाल थी, अब की बार ऐसा होने का ना, इनके बकाए में कोई आता, एकजुट हो गया, गठबंधन को वोट देंगे, RLD जीतेगी। क्या नाम भाऊ जी आपका? क्या राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, ये बताइए, आपके क्षेत्र में पांच सालों में विकास हुआ है? ना भाई, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो नंगे कर दिए और दी चौदह ने, हाँ, ये बर्थडे ने ऐसा काम जोड़ दिया, यहाँ तो अगनंगे करना, भूखे मरना काम जोड़ रखा, साल भर पहले अंडे के रखे, दो रुपए मिट दिए चौदह ने, इन्होंने तो 14 दिन में कहा था, 14 दिन में कहा तो था, जोड़ना सुरेश राणा, 14 दिन का कहा था, 14 बिंदे में बिंद दिया था उन्होंने। आपके गांव में आए पहले कभी? नहीं।
क्या नाम आपका? क्या नाम? धर्मेंद्र है जी। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है आपको? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जी, महंगाई इन पर कंट्रोल नहीं होने की। दूसरी बात यह है, अब इन्होंने बिजली में गांठ काट दी, बिजली इतनी महंगी कर दी कि बुरा हाल है। वो पहले वाला जमाना देखना पड़ेगा, वे दिवे घर का तेल ताल सा कर दिवे बत्ती बाड़ने पड़ेगा। रंगे कैराना सीट है यहाँ से गठबंधन के जो प्रत्याशी है नाहिद हसन है। हाँ। किस तरह से वोट जाएगा इस बार नाहिद को? वोट जागरना तहसील बनवाई ऊन में, ऊन में तहसील बनवाई, सड़क बनवा रही जितनी इसकी कोठे में हरियाल जेल में रहते हुए और भाई क्षेत्र में रहा नहीं, भाजपा सरकार ने रहने नहीं दिया। यू सबसे बड़ी बात यह है, रहने नहीं दिया। एक तरह से एक बात फैला, फिर भी काम बहुत करवाया। उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है और गुंडों की सरकार का है, विपक्ष ने कहा है। सब झूठी बात है, सब झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया लोंडा ना इधर। मेरी उम्र हो रही 75 साल की, ऊपर ही हो रही होगी। इतनी खराब सरकार हमें तो आलोक देखी नहीं, इतनी खराब। जैसे गांव बछड़े हैं ये खुले छोड़ दिए, ये तो सबका नाश कर दिया किसानों का ने, उससे फायदा होगा। ज्यादा मरे पहले से भी, हम नहीं मरते। हम तो बात खुली नाइज की ओर देंगे। अरे सुरे राणा बच्चा करे ऐसा कुछ, जाओ पछड़ा पैमिट भी नहीं आ इबलो, वहाँ पछड़ा भी नहीं आ रही। एक डब्बा इब गए, एक डब्बा 400 सीटी की निकलेगी। सरकारी अस्पताल कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, ना कुछ नहीं बना। तो जैसे आप कह रहे हैं, आपने कई सारे चुनाव देखे होंगे, हाँ पहले भी सरकारें रही हैं, ये भी सरकार। हाँ। क्या आप किस तरह से देखते हैं? या इस तक खराब सरकार हमें देखी नहीं, इस तक खराब को सरकार आज लुकाई नहीं, इस तरह बढ़िया कांग्रेस ही थी। हाँ तो इस बार क्या लग रहा है, क्या बदलाव होगा? इब गए, इब गए डब्बा होगा लोग दर, एक डब्बा। अच्छा नाइज है, नाइज जिसन कह रहे बदमाश है, डिगड़ा जेल में बैठ जा, इससे कुछ खराबी आ जाएगी, इससे तो वोट बढ़ेगी इसकी और ज्यादा, वोट बढ़ेगी इससे ज्यादा। योगी जी भी आए थे कैराना में, और कुछ हो गया उससे, कुछ हो गए। अभी अमित शाह भी आके प्रचार करके गए, क्यों घर घर फिरे भीख मांगते नहीं, मैं कमी है कुछ। अरे वहाँ मर गए साल भर, 1.5 साल हो गए जड्डे में मर गए। अभी ये पलायन का मुद्दा कैराना में उठा, ये तो झूठे बका रहे, ये वोट पे उस पर अगले इलेक्शन हार जाए, ये कुछ नहीं है, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हमारे गांव में तो सड़क दे दी सारे वाहन मैंने, और मीब नू कहेगा मीर लोग की दुम्मा ईब को कर दो, ये डब्बा करेंगे, डब्बा 100% वोट पड़ेंगे। तो बदलाव होगा इस बार, कहेगा बदलाव होगा। सरकार तो हटी जा गया, भाजपा तो खत्म, तो किसे ला रहे हैं आप? इसे लाऊंगे जैसे ना करेंगे मुख्यमंत्री, और कैसे करेंगे अखिलेश ने। तो लोग तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई उत्तर प्रदेश। ना ना, गुंडागर्दी कहाँ खत्म होगी, गुंडागर्दी का तो सिर्फ रूप बदला। कैसे? पहले तो रूप था भाई, रास्ते में राजा नहीं कर ली किसी ने, कोई बदमाश या शराबी ने लूट लिया कोई, वो था। इब जो अफसर लूट रहे हैं, किसी भी दफ्तर में चले जाए अफसर, जब तू गए पिछले दरवाजे में मेरी जेब गर्म कर दे, ये मुद्दा है। तो किसान मजदूर तो सारा कुछ लूट रहा, लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है भ्रष्टाचार खत्म के, ये सब बीजेपी तो बड़ बोल रही है, तो बोलना है ऐसा। तो हाँ चुनाव तो है भाई, तो बीजेपी को तो कोई वोट नहीं दे रहे हैं, तो सब उसके गठबंधन के साथ है। क्यों बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं? बीजेपी ने करा के कुछ भी नहीं करा बीजेपी। आप जैसे लोगों के लिए कुछ अलग से सरकारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हो, आप लोगों को फायदा पहुंचा हो 5 सालों में? नहीं, यहाँ कुछ फायदा नहीं पहुंचा भाई। यू गन्ना मंत्री था, हमें धरना दे रखा था मील में, और जब लोग कुछ था नहीं, कहता कि जो हमारी सरकार आएगी और हम 400 रुपये तो गन्ने का रेट देंगे, और भाई 15-14 दिन पेमेंट देंगे, और 2 योजना ले बन रहा है। गन्ना मंत्री है, 3 नेता किसान है, अखिलेश, जयंत और राकेश टिकैत, 14 भिन्ने हो लिए। कह तू ने अब चोट देंगे मैं तो अपने गांव की तरफ से एक अपील करूँ, अब ऐसी चोट दे दे बस सुनार वाली नहीं चाहती, लोहार वाली घन वाली चोट, घन वाली चाह वो चोट, ऐसी जीत कर दे अपने गांव में। तो ये चोट जाएगी किसको? चोट तो भाजपा का देनी, 14 भिन्ना तो नहीं कहने लग रहे हमारा नेता राकेश टिकैत है भाई, 14 भिन्ना तो कह रहे हैं चोट देंगे, दवाई देंगे, इबका गांव में ऐसी दवाई दे के भेज जाएंगे। अब याद रखा भाजपा वाले, याद रखा। ये तो कह रहे थे कि 2022 तक। और भाई एक आपके चैनल से एक बात और कहना चाह रहा सभी भाइयों से, भाई हिंदू मुस्लिम फलाना निकड़ा कुछ ना देखो, एक मीच का दोनों अखिलेश को देख लो, लेकिन कुछ लोग जयंत को देख लो, और बस एक मीच का काम कर दो, जुकर अंधे कुएं में गिर रहे, वोट कुएं में गिर दो,
हरिओम चौधरी। हरिओम जी, ये बताइए आप पिछले 5 सालों में रोजगार की क्या स्थिति रही आपके क्षेत्र? कुछ नहीं है जी, भर्ती नहीं है। और एक पैट का पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया, दरोगा भर्ती का पेपर था वो कैंसिल हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बावजूद टीटी का पेपर हुआ, पेपर कैंसिल हो गया पूरे प्रदेश में। दरोगा भर्ती का पेपर लीक होने के बावजूद कैंसिल क्यों नहीं करा गया? पेपर पूरा हो गया, पैट का पेपर किसी का 1 नंबर हो किसी का 100 नंबर हो, फॉर्म सब भरेंगे, जिसका क्लियर होगा वो अपना आ जाएगा। क्या लगता है 5 सालों में आपके लिए, आप जैसे नौजवानों के लिए काम हुआ कुछ? मेरी उम्र 20 साल होगी, 2 साल उम्र निकटगी, 2 फार्म भरे गए बस, प्रतिनिधि रहे हैं। और कोई? आपका क्या नाम? मेरा नाम वैभव है। अच्छा, 5 साल में सरकार ने कुछ किया आपके, आप जैसे लोगों? कुछ नहीं करा, खत्म कर दिया बिल्कुल, जीरो कर दिया बिल्कुल, धरती मिला दिया। जैसे आपकी सीट से नाई दर्शन विधायक है तो क्या वोट जाएगा उनको? हाँ बिल्कुल पजागा। लोग पिछले वाले में उसमें तो नहीं फंसेंगे, हिंदू मुस्लिम वाले? हिंदू मुस्लिम थी कहाँ, मतलब जाट मुस्लिम थी, हिंदू मुस्लिम थी कहाँ, वो तो उन्हें जाकर उन्हें टकराव करवा दिया, 2-4 बात बताई थी, मगर होगा वो काम, इबका फेर नहीं करना सोच रहे, इबका कोई भगाई में नहीं होगा कोई भी। तो क्या बदलाव होगा? बदलाव पक्का होगा। आप पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है? पढ़ाई लिखाई की पढ़ाई भी नहीं चल रही, अब जब कोरोना के उस टाइम स्कूल कॉलेज तो बंद कर दिए, रैली इनकी जब भी चल रही, रैली से नहीं फैल रहा इनका कोरोना, कॉलेज हमारे सबसे जब संबंधी है। ये क्यों, क्या मानसिकता है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? भाई इनकी होगी जो कुछ चल रही, खत्म करना चाह रहे, पढ़ाई बिल्कुल जीरो कर दी इन्होंने, ना भर्ती देते ना पढ़ाई चल रही ढंग में, यूवा बेकार कर दिया सारा। तो इस बार क्या क्या देख रहे हैं आप चुनाव में? अब की बार तो अखिलेश्वर की चलेगी। हम कैराना विधानसभा सीट के सापला गांव में थे, जहां पर हम लोगों ने गांव के लोगों से बात की और जानने की कोशिश की इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में लोगों का क्या कहना है, लोग किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं, अपने मुद्दे को लेकर वोट करेंगे नहीं करेंगे, वोट करेंगे तो किसको वोट करेंगे इस बार, यही सब जानने के लिए जुड़े रहे सीसीए से, सीसीए की चुनावी खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।